दक्षिण में हिमालय पर्वतमाला, पश्चिम में काराकोरम श्रृंखला और उत्तर में कुनलुन पर्वत से घिरा तिब्बत विश्व के ही उच्च स्थानों में से एक है। यहाँ के वातावरण, भूबनावट तथा ऊंचाई के कारण तिब्बत को बाकी विश्व से अलग थलग भूभाग के रूप में देखा जाता है। विश्व के कई उच्च हिम शिखरों को अपनी छाती पर बिठा कर रखने वाला तिब्बत ब्रह्मपुत्र, इंदस, गंगा, मेकंग, यांगजे तथा ह्वांगहो जैसी प्रख्यात नदियों का उद्गम स्थल भी है। हिंदू धर्मावलंबियों का पवित्र धर्म स्थल कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन के लिए सालाना हजारों तीर्थयात्री पड़ोसी देश भारत से और संसार भर के हिंदू धर्मावलंबी नेपाल होते हुए चीन के स्वशासित क्षेत्र तिब्बत में रहे कैलाश पर्वत और मानसरोवर की यात्रा करते हैं। इसी सिलसिले में भारतीय मूल के 15 अमेरिकी तीर्थयात्रियों का नेतृत्व करते हुए आए हैं जय क्षितिज। क्षितिज के नेतृत्व वाली यह टोली काठमांडू से मानसरोवर यात्रा के लिए निकलती है। बस पर सभी के बैठ जाने के बाद बस कैलाश यात्रा के लिए चल पड़ती है। इस बस के अंदर जितने भी लोग हैं सभी कैलाश तीर्थयात्री हैं। काठमांडू के रेडिशन होटल से प्रस्थान करने के 2 घंटे में हम काभ्रे पलांचोक जिले के 0 किलोमीटर पहुंचते हैं। यहां कुछ देर आराम के बाद हमारा काफिला दोलालघाट बाजार में पुल पार कर भोटे कोशी नदी के किनारे से होते हुए 12वीं बाजार एवं अन्य प्राकृतिक सुंदरता को आंखों में बसाते हुए हम तातोपानी बाजार जा पहुंचे। तातोपानी बाजार से मितेरी पुल की ओर बढ़ने के क्रम में आगे दिखने वाला इस झरने ने हमें ऐसा मंत्रमुग्ध किया कि सभी तीर्थयात्री फोटो खींचने एवं दृश्यावलोकन करने के कार्य में जुट गए। सुबह का 10 बज चुका था। हमारे साथ गए सभी तीर्थयात्रियों व नेपाली कामदारों ने भोजन किया। तीर्थयात्री और नेपाली कामदारों का पासपोर्ट इकट्ठा कर कैलाश यात्रा के लिए आवश्यक टिबेट वीजा और अन्य आवश्यक कागजात नेपाल अध्यागमन कार्यालय में दिखाकर उस पर प्रस्थान की मुहर लगवाई। इसके बाद हम मितेरी पुल की ओर आगे बढ़ते हुए नेपाल की सीमा पार कर चीन के सुरक्षा कर्मियों को पासपोर्ट दिखाकर चीन के अध्यागमन कार्यालय के आगे पहुँचे। इसके बाद हम 5 मिनट पैदल चलकर उस जीप तक पहुंचे जिस पर चढ़कर हमें आगे की यात्रा तय करनी थी। अगल बगल नैनाभिराम प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करते हुए हम जांगमू बाजार पहुंचे। जांगमू बाजार को नेपाली में खासा बाजार नाम से जाना जाता है। बाजार में कुछ देर जीप रोककर बाजार की रौनक देखते हुए आगे बढ़ने के क्रम में दिखने वाला यह झरना, शांत वातावरण, जंगल की हरियाली को पार करते हुए हम कब जांगमू से न्यालम शहर पहुंच गए पता ही नहीं चल पाया। न्यालम में जीप से उतरकर होटल की ओर चल पड़े। दूसरे दिन सुबह के नाश्ते के बाद ऊंचाई से होने वाली समस्या से बचने के लिए न्यालम बाजार से ऊंचाई वाली जगह पर जाने व पहाड़ी का रमणीय दृश्यों का अवलोकन करने का काम किया जाता है।
इस यात्रा में न्यालम होटल से ऊपरी इलाका में जाने में करीब 2 घंटे का समय लगता है। अक्सर यहाँ की पहाड़ी तक की यात्रा कर चुकने के बाद यह तय हो जाता है कि ऊंचाई से होने वाली समस्या आएगी या नहीं। यह न्यालम शहर समुद्र की सतह से 3,750 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। सामान्यतया तीर्थयात्रियों को यहाँ पहले दिन कुछ परेशानी होती है, लेकिन एक रात गुजार लेने के बाद आपसे आप सब ठीक हो जाता है। तीसरे दिन न्यालम से डोंगवा का जाने के क्रम में तीर्थयात्रियों को लेकर जब हमारी जीप आगे बढ़ी तो 5,050 मीटर की ऊंचाई पर यालुंगला पास आती है। जहां से शुभ्र हिमालय और उसके नीचे मरुभूमि जैसी सूखी पहाड़ी मनोरम दिखती है। यहां एक बड़ा सा द्वार भी है जो सभी के स्वागत में सदा खड़ा रहता है। इस गेट में लाल सफेद पीला ध्वज अर्थात लुंगदर सुसज्जित है। यहां से गौरी शंकर सीसापांगमा भलीभांति देखी जा सकती है। यालुंगला पास का कुछ देर दृश्यावलोकन करने के बाद हमारे आज के गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले पीखुछू झील आती है। पीखुछू झील का मनोहर दृश्य देखते हुए हम वहां पहुंचे जहां बीच समाप्त हो जाती है और कच्ची सड़क पर धूल उड़ाते हुए आधे घंटे बाद हमारी जीप नमकीन झील अर्थात साल्ट लेक के पास पहुंचती है। आगे बढ़ते हुए जब हम सांगा बाजार पहुंचने लगे तो हिंदुओं के लिए पवित्र ब्रह्मपुत्र नदी दिखी। यह रमणीय सांगा बाजार है। यह रमणीय डोंगवा बाजार है। बिजली और टेलीफोन की सुविधा से लैस यह ठहरने के लिए सुविधा युक्त शहर है। हम न्यालम से 6 घंटे की यात्रा के बाद यहाँ आ पहुंचे हैं जहाँ आज हमारी यात्रा का पड़ाव है। सभी यात्री अपने अपने लिए तय कमरे में आराम करते हैं और कुछ यात्री नेपाली बाबरची को भोजन बनाने में सहयोग भी करते हैं। देखते ही लग रहा है कि भोजन काफी लजीज बना है। दो दिन डोंगवा में रहने के बाद हम मानसरोवर झील तक की यात्रा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में रेत की ढेर चमरी गाय व भेड़ को चरते हुए देख रहे हैं। हमारे तीर्थयात्री फोटो लेने में व्यस्त हैं। रमणीय दृश्य एवं मानव विहीन पहाड़ियों को देखते हुए हम होरचू जा पहुंचे। और यहां से शुरू होती है मानसरोवर की परिक्रमा। यह मानसरोवर झील की वृत्त 102 किलोमीटर है। इसकी पैदल परिक्रमा करने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों को 3 दिन व तीर्थयात्रियों या पर्यटकों को 5 से 7 दिन तक लगने की बात स्थानीय लोग बताते हैं। मानसरोवर की परिक्रमा के लिए होरचू से यात्रा शुरू कर पहले दिन च्यूगुम्बा जाकर ठहरते हैं। झील की परिक्रमा का बाकी अंश कैलाश पर्वत की परिक्रमा के बाद च्यूगुम्बा आकर एक रात बिताकर काठमांडू लौटने के समय कैलाश परिक्रमा करते हुए होशू पहुंचा जा सकता है। यहाँ ठहरने के लिए लॉज अतिथि गृह आदि हैं। हमने ठहरने के लिए इसी अतिथि गृह को चुना।
मानसरोवर झील के संदर्भ में हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन पाया जाता है। मानसरोवर झील को मानस भी कहते हैं। मानस का अर्थ मस्तिष्क या चेतना होता है। इस हिसाब से मानसरोवर चेतना व ज्ञान की झील के रूप में भी परिचित है हमारे बीच। यह झील समुद्र सतह से 4,580 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। मानसरोवर झील ने हिंदू और बौद्ध धर्मावलंबियों के बीच गहरा धार्मिक एवं आध्यात्मिक संबंध बना दिया है। मानसरोवर झील की परिक्रमा कर इसके पवित्र जल से स्नान करने पर जीवन में जाने अनजाने हुए सभी पापों के धुल जाने एवं शरीर में रहे संपूर्ण रोग व्याधियों से मुक्त होने का धार्मिक विश्वास है। साथ ही इस स्नान से सदा के लिए अपना यौवन और शक्ति कायम रखे जा सकने की भी मान्यता है। रामायण में हुए वर्णन के अनुसार कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने व मानसरोवर झील में स्नान करने वाला व्यक्ति सीधे ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है, तो मानसरोवर का पानी पीने वाला व्यक्ति शिवलोक पहचान सकता है। बहुत से धर्मावलंबी इस झील में स्नान करने से स्वर्ग प्राप्त होने का विश्वास रखते हैं। कईयों की ऐसी मान्यता भी है कि इस पवित्र झील के जल का केवल स्पर्श करने से भी मोक्ष प्राप्ति होती है। इस मान्यता के साथ जीवन में कम से कम एक बार कैलाश पर्वत और मानसरोवर का दर्शन करना वांछनीय माना जाता है। इस झील से जुड़े किंवदंतियों के अनुसार भगवान शिव और पार्वती प्रत्येक रात 2 से 4 बजे तक इस झील में स्नान करते हैं और इस स्थान पर रहने वाले सभी धर्मावलंबी शिव पार्वती का पूर्णिमा की रात को प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। दूसरे दिन सुबह हम हमारे तीर्थयात्रियों को मानसरोवर में स्नान करवाने के लिए होटल से जीप में बिठाकर झील के किनारे ले जाते हैं। स्नान करने से पहले झील के किनारे खड़ा होकर प्रार्थना कर रहे हैं। आज की पूजा समाप्ति के बाद फोटो लेने का कार्य होता है। मानसरोवर में स्नान करने के बाद सभी यात्री जीप में बैठकर होटल आए। दोपहर के भोजन के बाद हम सब ने कुछ देर आराम किया। अभी हम दार्चिन की ओर जा रहे हैं। मानसरोवर झील से 40 किलोमीटर की दूरी पर रहे दार्चिन पहुंचने में करीब 1 घंटे का समय लगता है। दार्चिन पहुंचकर हम सीधे अतिथि गृह पहुंचे। आज कैलाश परिक्रमा की तैयारी हो रही है। हम सभी तीर्थयात्री जीप में चढ़कर दार्चिन शहर का अवलोकन करते हुए यमद्वार की ओर बढ़ते हैं। दार्चिन से 5 किलोमीटर की दूरी पर रहे यमद्वार पहुंचने में जीप से करीब 20 मिनट का समय लगता है। इस जगह को तारबोचे भी कहा जाता है। यमद्वार पहुंचने पर जीप से उतरकर सभी तीर्थयात्री पंक्तिबद्ध होकर भगवान शिव पार्वती को प्रणाम कर रहे हैं। असक्त तीर्थयात्री यहीं से कैलाश का दर्शन कर यमद्वार की परिक्रमा के बाद लौट आते हैं। यमद्वार की परिक्रमा करते समय भी कैलाश पर्वत की परिक्रमा बराबर ही पुण्य प्राप्त होने की जनधारणा है।
यह है सेरसोंग, जहां से कैलाश पर्वत की पैदल यात्रा शुरू होती है। यहां दिख रहे हैं तीर्थयात्रियों के साथ साथ घोड़े, स्थानीय भरिया, बोझा ढोने वाले याक एवं नेपाल से आए नेपाली कामदार। समुद्र सतह से 6714 मीटर की ऊंचाई पर रहा कैलाश पर्वत विश्व का ही सबसे पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है। इतनी महिमाशाली होते हुए भी इस स्थान का भ्रमण बहुत कम ही हो पाता है। चार विभिन्न धर्म के करोड़ों धर्मावलंबियों के बीच अत्यंत पवित्र माने जाने वाले इस स्थान पर सालाना चंद हजार धर्मानुरागी ही तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति से पहले ही कैलाश पर्वत की पृथ्वी के मध्य स्थान और संसार के उत्पत्ति स्थल के रूप में पूजा की जाती थी। प्राचीन एशिया में कैलाश पर्वत एक अलग ही पहचान के साथ अस्तित्ववान है और इससे एक अलग व विशिष्ट सभ्यता का प्रतिबिंबन होने की बात पर विभिन्न धर्मावलंबियों व लेखकों में एक मत पाई जाती है। शैव, हिंदू, बौद्ध, जैन और बोनपो धर्म ने कैलाश को समान रूप से सम्मान दिया है और सभी ने इसकी महत्ता की अपनी अपनी तरह से व्याख्या की है। शैव बौद्ध दोनों के प्राचीन साहित्य में संसार के केंद्र के रूप में वर्णित सुमेरु पर्वत के ही भौगोलिक उपस्थिति के रूप में कैलाश को चिन्हित किया गया है। हिंदू धर्मावलंबियों के बीच शिव पार्वती के वास स्थान के रूप में सम्मानित कैलाश को बौद्ध धर्मावलंबी कांगरिनपोचे के नाम से श्रद्धा करते हैं। कैलाश और मानसरोवर को बौद्ध धर्मावलंबी बड़ा सा प्राकृतिक मंडला मानते हैं, मंडला अर्थात आराधना और मुक्ति का माध्यम। जैन धर्मावलंबी इस एकांत शिखर को स्पाड़ा कहते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव ने यहाँ आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त की थी। कैलाश पवित्रता का प्रतीक कैसे बना, इस संबंध में अभी तक प्राप्त तर्क इस तरह है। यह पर्वत सबसे एकांत में है, इसकी परिक्रमा की जा सकती है। इस क्षेत्र में चारों दिशा से एशिया के चार बड़ी नदियां यारलुंग जाम्बो अर्थात ब्रह्मपुत्र, सतलज, इंडस और कर्णाली उत्पन्न हुई है। कैलाश को संसार का केंद्र मानकर पुराण काल से ही बौद्ध धर्मियों ने मंडला चित्र को विख्यात बनाया है। कैलाश परिक्रमा करने का मार्ग करीब 53 किलोमीटर लंबा है। धार्मिक विश्वास के अनुसार एक बार कैलाश परिक्रमा करने वालों के वे सभी पाप धुल जाते हैं जो उसने जाने अनजाने किया हो। मान्यता यह भी है कि जिसने पवित्र कैलाश पर्वत की 108 बार परिक्रमा कर ली वह सीधे निर्वाण अर्थात बुद्ध का बोधिसत्व प्राप्त कर लेता है। सेरसोंग से खाद्य वस्तु व अन्य आवश्यक सामग्री चमरी गाय पर लादकर कैलाश परिक्रमा के लिए हम 3 दिनों की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। नदी के किनारे किनारे करीब 3 घंटे की पैदल यात्रा के बाद हम दोपहर का खाना खाने की जगह पर पहुंचते हैं। यहां से कैलाश पर्वत दिखने के साथ ही पर्वत के नीचे हाथी की आकृति वाला बड़ा सा चट्टान दिखता है। इस हाथी को भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत के रूप में लिया जाता है। यहां से करीब 2 घंटे चलने के बाद हम डेरापुक पहुंचे। सतलज नदी के किनारे पर अवस्थित यह डेरापुक गुम्बा है। इस जगह की ऊंचाई 4900 मीटर है। यहां से कैलाश पर्वत बहुत नजदीक दिखाई देता है। आज डोलमाला पास करने का दिन है।
डेरापुक से प्रस्थान करने के 1.5 घंटे बाद हम शिव स्थल पहुंचे, जहां पुराने कपड़े चढ़ाने का रिवाज है। जो दृश्य दिख रहा है वही डोरमाला पास है। यह समुद्र सतह से 5,636 मीटर की ऊंचाई पर है। इस यात्रा का सबसे ऊंचा और रमणीय स्थान यही है। यहाँ पहुंचने पर धूप जलाने व पूजा करने का काम होता है। इस पास में पहुंचने पर सर दर्द कर सकता है, उबकाई सी आ सकती है, जो नीचे उतरते जाने के बाद स्वतः ठीक हो जाता है। कभी कभार बर्फबारी होने, तेज हवा चलने की संभावना रहने के कारण डेरापुक से परिक्रमा के लिए जल्द ही चल देना चाहिए। डोरमाला से 10 मिनट नीचे की ओर चलने के बाद गौरी कुंड दिखता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यहाँ शिवजी और पार्वती स्नान किया करते हैं। यह जगह जुथुलपुक गुम्बा है और आज एक रात यहाँ गुजार कर कल दार्जिन होते हुए मानसरोवर के बगल से होकर हम चिवगुम्बा पहुँचेंगे। दूसरे दिन सुबह के नाश्ते के बाद 3 घंटे की पैदल यात्रा के बाद हम चोंगदो पहुँचते हैं। चोंगदो से 1.5 घंटे की जीप यात्रा के बाद हम दार्जिन पहुँचते हैं और इस तरह हमारी 3 दिनों की कैलाश परिक्रमा पूरी होती है। दार्चिन में भोजन करने के बाद हम मानसरोवर की यात्रा की ओर बढ़ते हैं। चूंकि कल हमें काठमांडू लौटना है, इसलिए चिवगुम्बा से होरचू तक मानसरोवर की बाकी परिक्रमा पूरी कर सांगा न्यालम होते हुए हम काठमांडू लौट आए। यात्रा का व्यवस्थापन काठमांडू में रहे मोन तेरेसा ट्रैक्स एंड एक्सपेडिशन प्राली ने किया था। ऐसी धार्मिक तथा पर्यटकीय यात्रा के साथ ही पर्वतारोहण पदयात्रा का व्यवस्थापन करता आया यह मोन तेरेसा ट्रैक्स एंड एक्सपेडिशन आगामी दिनों में भी ऐसी ही अविस्मरणीय यात्रा के लिए आपकी प्रतीक्षा में है। ओम नमो शिवाय।